सो गाइस, कुछ दिनों तक मैं अपनी खुशियों की तरह गायब होने के बाद फाइनली मैं फिर से आ चुका हूँ। अरे तू जा रही? सो गाइस, थोड़ा बीमार हो चुका था तो मैं फिर से रिकवर हो चुका हूँ। सो गाइस, आज मैंने सोचा कि हम अपने विलेज को ट्रांसफॉर्म कर ही रहे थे, तो गाइस वो शहरी कैप जिसमें एक फैक्ट्री ना हो, भले ही पॉल्यूशन भाई साहब की वर्ल्ड कट एंट्री हो जाए, बट गाइस ये तो एक गेम ही तो है। सो हमारे कासल के आगे मैंने कुछ महीनों पहले एक शुगर केन फार्म बनाया था, जो कि गाइस फार्म कम 4 साल के बच्चे का खिलौना ज्यादा लग रहा था। और गाइस हमारा वर्ल्ड भी हमारे दोस्त की तरह मीठा न बन जाए, इसलिए आज हम अपने शहर में एक फैक्ट्री बनाएंगे, जिसके लिए हमें इंजीनियरिंग की पढ़ाई करनी पड़ेगी। गाइस हमें अपने एग्जाम की पढ़ने में फंस जा रही है, अगर हम इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने लगेंगे तो गाइस हम तो ऊपर वाले को प्यारे हो जाएंगे। गाइस ज्यादा टेंशन नहीं लेंगे, जो बनेगा उसी से काम चला लेंगे। सो गाइस आज हमारे साथ है क्रेजी सूरज, और हम ये दुआ करेंगे कि पिछले की तरह ना हो। और अगर आप लोगों ने अभी तक वो डुओ सीरीज नहीं देखा तो मैं आप लोगों को ऊपर आई बटन में दे दूंगा, वहां से देख लेना। सो गाइस चैनल में नए हो तो इस वाले वीडियो को लाइक करके मुझे सपोर्ट दिखाने के लिए नीचे वो लाल वाला सब्सक्राइब बटन भी दबा देना। तो आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, सो लेट्स बिगिन। सो गाइस वर्ल्ड में एक बात इंट्रो देते हमारे इधर रात हो चुकी थी, तो गाइस ऊपर वाले फ्लोर में हम जल्दी जल्दी चले जाते हैं। गाइस ऊपर वाले फ्लोर में जाकर देखता हूं तो वहां एक ही बिस्तर था, बट गाइस हम दोनों को नींद लगी थी, तो हम अपने इन्वेंटरी से एक बेड निकाल लेते हैं और गाइस वहीं पर सोने की कोशिश करते हैं। बट गाइस क्रेजी सूरज तो ऊपर उड़ रहा है, शायद से छोटा भीम वाला बूढ़े बाबा की इसको शक्ति मिल गया है। सो गाइस मस्त नींद पूरा करने के बाद हम इधर उठ जाते हैं, और गाइस उठने के बाद हम नीचे जाते हैं, बट वहां तो हमें फिर से एक काला स्पाइडरमैन मिल जाता है, जो की भरी धूप में काला हो चुका था, बट हम इसको मार देते हैं। और गाइस सूरज भाई साहब अपने चमड़ी को चेंज करना चाहते थे, तो गाइस वो जब तक चेंज कर रहे हम इधर सारे कूड़े को रख देते हैं चेस्ट के अंदर। और गाइस पास वाले संदूक से हम बहुत सारे लोहे को निकाल लेते हैं, और गाइस बहुत सारे कुल्हाड़ी बना लेते हैं, क्योंकि फिर से अब हमें लकड़हारा जो बनना है। और गाइस उसके बाद क्रेजी सूरज ने अपने स्किन को चेंज कर लिया था, जिसके बाद ये बहुत ही हैंडसम दिख रहा था। वाओ क्या लड़का है, वेरी हैंडसम बॉय। गाइस जिस जिसको नंबर चाहिए बता देना, डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और बहुत सारे हड्डियों को हम अपने हड्डियों के चूड़े बना लेते हैं, और गाइस इसको हम दे देते हैं, क्योंकि गाइस ये प्लांट उगा कर इसको फिर से काटने वाला था। और गाइस इधर हम स्प्रूस के ट्री को उगाने के लिए एक एरिया मिल जाता है, जिसके बाद हम इधर इसको प्लांट कर लेते हैं। और गाइस इसको बड़ा करने के बाद हमें इसको काटना था, ऑफकोर्स हमें और एक मजदूर चाहिए था, तो इसको हम अपना कुल्हाड़ी दे देते हैं। और गाइस मैं इसको काटने के लिए बोलता हूँ, बट गाइस ये तो इसको ऐसे देख रहा था कि यहाँ कोई सर्कस चल रहा हो, खैर जोकर सर्कस थोड़ी देर देखता है। सारी उम्र मैं जोकर। गाइस मजाक कर रहा था ये, तो अब पेड़ काटने से रहा तो इसको मुझे ही काटना पड़ेगा। गाइस इस वाले प्रोजेक्ट के लिए हमें बहुत सारे वुड्स भी चाहिए होंगे, तो इसको कलेक्ट कर लेते हैं। गाइस जिसका डर था वही हो गया, सूरज भाई साहब हमें छोड़कर चले गए, तो गाइस अब मुझे मजदूरी अकेले करना पड़ेगा, तो मैं मिलता आप लोगों को बहुत सारे लकड़ियों को कलेक्ट करने के बाद। सारे प्रजाति के लकड़ियों को कलेक्ट करने के बाद और गाइस लकड़ी काटते करते हमारा दिन कैसे हमारे फ्यूचर की तरह डार्क हो गया ये हमें पता ही नहीं चला। और मजदूर करके अंदर जाकर हम एक का बेड चुरा कर सो जाते हैं, और गाइस सुबह सुबह उठने के बाद हम इधर बाहर जा रहे होते हैं, तभी गाइस एक हट्टी पहलवान हमारे गोलम भाई साहब को मार रहे होते हैं, बस हमारे खाली शरीर इतने कमजोर थोड़ी ना है। सो गाइस होता हमारे एक बात, हम इधर फार्म की तरफ चले जाते हैं, और गाइस हमें अब इस फार्म को पूरा खत्म कर देना है। और आप लोग इधर देख ही सकते हो कि मैंने इधर एक एंडर चेस्ट भरकर बहुत सारे हुड्स को कलेक्ट किया है। ये तो टट्टी है। और गाइस अपने जेब से सारे कूड़े को निकालने के बाद हम अपने सस्ते लाइटर से इसको भी जला देते हैं, अभी तो कूड़ा लग रहा है, बाद में पता चलेगा। और गाइस जो जो चीज हमें नहीं चाहिए उसको हम इधर एंडर चेस्ट के अंदर भर देते हैं। और गाइस उतावन एक बात, अभी इधर इन सारे फार्म्स को तोड़ देते हैं, जैसे कि उसने आप लोगों का दिल तोड़ा था। प्लीज ये अच्छा, बट गाइस सबसे पहले हमारा नुकसान ना हो जाए, इसलिए इस सारे चेस्ट से हम सारे गन्ने को निकाल लेते हैं। और गाइस जिस वाले एंडर चेस्ट के अंदर भरने के बाद अब इसको तोड़ना चालू कर देते हैं। सो गाइस इस वाले फार्म को पूरा हटाने के बाद ये थोड़ा अच्छा दिख रहा है, और गाइस जो जो सामान मिला था हमने अपने इन्वेंटरी में रख दिया है। तो गाइस खाना खाने के बाद हम इधर अपने अंत के चेस्ट को निकाल लेते हैं और फैक्ट्री बनाने के लिए एरिया ढूंढना चालू कर देते हैं। सो गाइस हम एरिया ढूंढने दूर दूर तक चले गए, बट गाइस हमारे मजदूर घर के पीछे एक बढ़िया सा एरिया था जिसमें हम अपना बिजनेस करने वाले थे, तो जल्दी जल्दी इसको हम साफ कर लेते हैं फिर से मजदूरी। सो गाइस बीच में कब्बा में हड्डी बनने के लिए एक पेड़ आ चुका था, तो इसको भी हम उड़ा देते। गाइस हमने इधर एक लाइन बनाया है, जिसके अंदर का हमें सारा डर्ट का ब्लॉक निकाल देना है। और गाइस इस वाले चेस्ट के अंदर हम सारे कूड़े को रख देते हैं। और गाइस अब रात हो चुकी थी तो हमें सोना था, तो उसके बाद हम जल्दी जल्दी चले जाते अपने मजदूर घर के अंदर। बट गाइस हमारे पीछे तो अब्दुल भाई साहब आ रहे थे। और गाइस उसे बत्ते बत्ते हम इधर अंदर आ जाते, बट गाइस इधर हमें सोने नहीं दे रहा था, तो इसका बेड हम इधर से चुरा ही लेते हैं। सो गाइस होता है एक बात, हम इधर चैन की रात सो जाते हैं, और गाइस सोने के बाद हम इधर उठ जाते हैं। और गाइस इस वाले विलेजर की अच्छा की वजह से हम इसका बेड इसको लौटा देते हैं, इतना अच्छा काम तो नेता भी ना करे। सो गाइस इधर हमारा फैक्ट्री बसाने के लिए इसको बहुत ही क्लीन करना होगा, तो जल्दी जल्दी इसको हम क्लीन कर देते हैं।
सारे एरिया को मेरे जेब की तरह साफ करने के बाद। सो गाइस फाइनली बहुत मेहनत करने के बाद हमारा ये वाला एरिया क्लीन हो जाता है। तो उसके बाद हम सारे कूड़े को इस वाले संदूक के अंदर रख देते हैं। और गाइस मैं एक इंपॉर्टेंट काम करने के लिए इधर अंदर आ जाता हूँ और गाइस एक बिस्तर बनाकर वहीं पर लगाकर सो जाता हूँ। इससे बड़ा काम मेरी जिंदगी में और क्या ही हो सकता है। सो गाइस सुबह सुबह उठने के बाद अब हमें अपना मशीन बनाना था, तो सबसे पहले हम इतना अनलिमिटेड वाटर का सोर्स बना लेते हैं। हाँ गाइस अनलिमिटेड वाटर का सोर्स। गाइस अगर आप लोग माइनक्राफ्ट खेल रहे हो तो गाइस लॉजिक को तो आप लोगों को धक्के मारकर बाहर निकालना ही पड़ता है। सो गाइस शुगर केन को फ्लाम करने के लिए हमें इधर थोड़ा सा एक वाटर का सोर्स बनाना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम इधर वाटर को डाल लेते हैं और गाइस इधर से अनलिमिटेड सोर्स भी बन जाएगा। सो अब सबसे पहले फार्म के चारों तरफ पानी को फेर लेते हैं। सो गाइस हमने इस वाले लाइन में पानी को तो डाल लिया है। तो उसके बाद हम अपने अंत के संदूक से बहुत सारे ऑब्जर्वर्स को निकालते हैं, क्योंकि गाइस अब हमें इधर फार्म बनाना होगा। सो गाइस सारे गन्नों को इधर निकालने के बाद हमें इधर बहुत सारे डर्ट्स को डालना होगा। और गाइस ये वाला एक ज्यादा लग गया। सो गाइस इस वाले डर्ट के ब्लॉक को उठाने के बाद हम इधर बहुत सारे स्टोन्स को लगा लेंगे। फिर गाइस ये वाला काम एक डॉट ब्लॉक से भी चल जाता, बट गाइस सब घुटनों में दिमाग के क्या ही कर सकते हैं। सो गाइस ये पीछे वाला डॉट ब्लॉक को हटाने के बाद हमें इधर आगे से बहुत सारे पिस्टन को लगा लेना है, जो कि गाइस हमारे शुगर केन को हार्वेस्ट करेगा और नीचे जाकर हमारा चीनी बन जाएगा और हमारा बिजनेस बड़ा हो जाएगा। गाइस पिस्टन की कमी पड़ने की वजह से हम इधर पिस्टन बनाने की सोचते, बट गाइस हमारे पास तो इधर कोबल स्टोन और रेस्टोन नहीं थे। तो गाइस इधर हमें ऑब्जर्वर भी बनाना पड़ेगा, जिसके लिए हमें बहुत सारे कोबल स्टोन और रेस्टोन चाहिए होंगे। और गाइस बहुत ढूंढने के बाद हमें कोबल स्टोन के नाम पर ये सारी कोबल स्टोन मिलते हैं। और गाइस इधर हम बहुत सारे नेदर वॉट को भी उठा लेते हैं। और गाइस ये तो अच्छा हुआ कि हमें एक वाले संदूक के अंदर बहुत सारे रेस्टोन मिल गए। और गाइस एक वाले संदूक में छानबीन करते हुए हमें जादू टोना वाला पानी का बोतल मिल जाता है, जिसको लेने के बाद हम इधर कासल के अंदर आकर इधर ब्रू करने लग जाते हैं। गाइस इससे हमें नाइट विजन का पोशन बनाना पड़ेगा, जिससे हम रात में भी देख सकते हैं। और गाइस फाइनली सस्ता पेट्रोल डालने के बाद हमारा ये चालू हो जाता है, जिसके बाद गाइस हम इधर रेस्टोन को भी ऐड कर लेते हैं और गाइस इससे हमारा टाइम बढ़ जाएगा। सो गाइस फाइनली हमारा पोशन बनकर रेडी हो चुका था, जिसको निकालने के बाद हम चले जाते हैं गुफा की तरफ। गाइस यहाँ एक पेड़ का हिस्सा रह चुका था, तो इसको भी हम जला देते हैं। और गाइस फिर से चले जाते हैं केव की तरफ मजदूरी करने। और क्या गाइस एक बोतल बियर घटकने के बाद हम चले जाते हैं केव की तरफ सारी केव के अंदर घूमने के बाद। सो गाइस फाइनली एक घंटे बाद हम फाइनली अपने केव से बाहर निकल चुके थे। तो गाइस इधर एक गंदा सा सीढ़ी बन चुका था, तो इसको हम हटा देते हैं, पिछले एपिसोड में इसी की वजह से मरे थे। सो गाइस इसे हटाने के बाद हम जल्दी जल्दी अपने बंगले की तरफ चले जाते हैं। और गाइस इधर जाकर हम बहुत सारे आयरन को स्मेल्ट करने लग जाते हैं, जो कि हमें केव में मिला था। सो गाइस सारे लोहे को इधर भट्टी के अंदर चपने के लिए लगाने के बाद हम इधर संदूक के अंदर सारे कूड़े को रख देते। बेकार है भैया, मैं तो टूट गया, जो कि गाइस हमें माइनिंग करने वक्त मिला था। सो गाइस जूता और एक बात, हम चले जाते हैं अपने पहाड़ वाले घर की तरफ बहुत सारे कोबल स्टोन को लाने हैं। और गाइस वहाँ जाकर पता चलता है कि वहाँ का सारा कोबल स्टोन हमने पिछले वाले वीडियो में सफा जट कर लिया है। तो गाइस उसकी वजह से हम इधर पहाड़ों की तरफ मजदूरी करने चले जाते हैं। और ऊपर चले जाने के बाद हथियार निकाल कर मजदूरी करना चालू कर देते। अब बहुत सारे कंकर वाले पत्थर को जमा करने के बाद। सो गाइस कोबल स्टोन कलेक्ट करते करते रात हो चुकी थी और ये बंजारा यहाँ से अभी तक नहीं गया। और गाइस हम इधर पार वाले घर में जाकर मस्त सो जाते हैं। सो गाइस सुबह सुबह उठने के बाद हम चले जाते हैं अपने बंगले की तरफ। और गाइस वहाँ के संदूक से हम नेदर वाले ये बहुत सारे नेदर क्वार्ट्स को निकाल लेते हैं, जिससे गाइस हमारा ऑब्जर्वर बनने वाला है। और गाइस उतना एक बात, अंग्रेजी रोडियो को चबाते हुए हम चले जाते हैं अपने फैक्ट्री की तरफ। और गाइस वहाँ पहुँचने के बाद हम जल्दी जल्दी अपने ऑब्जर्वर पिस्टन को बनाने चालू कर देते हैं। सो गाइस सारे सामान को कंप्लीट करने के बाद हम इधर चले जाते हैं अपने फार्म की तरफ। और गाइस इस वाले पिस्टन को लगाना चालू कर देते हैं। और कुछ भी लगाने वक्त हमारा ये एक ना एक एक्स्ट्रा लग ही जाता है। सो गाइस इसको जल्दी जल्दी तोड़ने के बाद हम इधर पिस्टन के पीछे जाकर बहुत सारे स्टोन ब्रिक्स को लगाना चालू कर देते हैं। हर एक पिस्टन के ऊपर लगाने के बाद हम इसके ऊपर चले जाते हैं और गाइस ऑब्जर्वर को ऐसे लगा लेते हैं। और गाइस इसका चेहरा आगे की तरफ होने वाला है और गाइस इसके पीछे लगने वाला है रेस्टोन। और हमारा शुगर केन बड़ा होकर इसके ऊपर आ गया, तो गाइस ऐसे ओपन होकर इसको तोड़ देगा और हमारा सारा गन्ना नीचे जाकर कलेक्ट होता रहेगा। सो अब इसको भी हम सारे पिस्टन के ऊपर लगाना चालू कर देते हैं। सो गाइस हमारा ऑब्जर्वर बीच में खत्म हो जाता है, तो गाइस हम सारे ऑब्जर्वर को फिर से बना लेते हैं। और गाइस इसको कंप्लीट करने के बाद रेस्टोन से कनेक्ट कर लेते हैं इसको। सो गाइस सारे रेस्टोन को कनेक्ट करने के बाद हमें इस ऑब्जर्वर के ऊपर बहुत सारे स्टोन ब्रिक्स को लगा लेने हैं। सो गाइस यहाँ से नीचे आने के बाद हमें एक ब्लॉक और आगे लगाना है। और गाइस इस वाले ब्लॉक को तोड़ने के बाद हमें इस वाले ब्लॉक को साइड तक एक्सटेंड कर देना है। बट गाइस हमारा लक इतना भी अच्छा नहीं था, गाइस हमारा बीच में स्टोन ही खत्म हो जाता है। सो गाइस फिर से संदूक से बहुत सारे स्टोन को निकालने के बाद लगाना चालू कर देते हैं। सो गाइस होता है एक बार इधर साइड में हमें पिलर्स बनाकर इसको कवर कर देना है। और गाइस इधर पीछे भी थोड़े बहुत ब्लॉक्स लगा देना है। तो गाइस जीता हूँ एक बार इधर आगे हमारा शुगर केन आने वाला है, जिससे हमारा बिजनेस शुरू होगा। सो गाइस शुगर केन हार्वेस्ट होने के बाद इधर कलेक्ट करने के लिए हमें इधर स्टोरेज का सिस्टम बनाना पड़ेगा। तो गाइस इसको हम जल्दी जल्दी इधर तोड़ लेते हैं। सो गाइस ये वाला पार्ट दिखाकर मैं आप लोगों का टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता, क्योंकि गाइस ये वाला पार्ट मैंने पिछले वाले वीडियो में बना कर रखा है। तो आप लोग वो वाला वीडियो देखना है तो मैं आप लोग आई बटन में लिंक दे दूंगा, देख लेना।
पूरे स्टोरेज सिस्टम को बनाने के बाद। सो गाइस हमारा अंडरग्राउंड सिस्टम तो बन के रेडी हो चुका है, तो सबसे पहले ये ऊपर वाले जगह को हम ढक देते हैं। सो गाइस उतारने के बाद इसके ऊपर हम ऊपर विद माइनक्राफ्ट को लगा देते हैं, बट गाइस ये तो इधर आकर बीच में अटक जाता है। बहुत मेहनत करने के बाद भी ये आगे नहीं बढ़ रहा था, तभी हमें पता चलता है कि हमने तो इधर रेडस्टोन का टॉर्च नहीं डाला। मुझे लगता है कि गड़बड़ फार्म में नहीं, गड़बड़ मेरे दिमाग में है। शायद यहाँ से पास वाले मेंटल हॉस्पिटल में दिखाना पड़ेगा। सो गाइस फाइनली हमारा यह छोटू सा रेल चलना शुरू हो चुका है, और कैसे ऊपर आने के बाद हम इधर शुगर रिंग्स को लगाना चालू कर देते हैं, और कैसे ऑब्जर्वर के आगे आ जाएगा तो ये सारा पिस्टन एक्टिवेट हो जाएगा, और कैसे सारा हमारा ये शुगर केन हार्वेस्ट हो जाएगा। और अभी तो ये यहाँ पर इसको ले नहीं पा रहा, जब ग्लास लगाएगा तो ये ले लेगा, तो सबसे पहले इसको फेंक देते हैं। और कैसे ये भी बहुत अच्छे से काम कर रहा था, और कैसे हम इधर नीचे जाकर देखते हैं तो ये सारा संदूक के अंदर आ रहा था, खैर इसी के लिए तो बना था। और कैसे हमारे गन्नों के पर बाहरी हमला ना हो जाए इसलिए इसको प्रोटेक्ट करने के लिए हम इधर बहुत सारे ग्लासेस को लगाना चालू कर देते हैं। सो गाइस इतना होने के बाद अब हमें ऐसे बहुत सारे मशीन्स को इधर आगे भी बनाना होगा। सो गाइस इसको कॉपी पेस्ट करते हुए हम इधर बहुत सारे ग्लासेस को लगाना चालू कर देते हैं, और गाइस इतना होने के बाद इधर अंदर कोई घुस ना पाए इसलिए हम इधर साइड साइड में भी बहुत सारे बॉर्डर्स को लगा लेते हैं। सो गाइस इतना होने के बाद अब हमें बहुत सारे मशीन्स भी बनाना होंगे, तो मैं आप लोगों से मिलता हूं बहुत सारे मशीन्स को बनाने के बाद, फैक्ट्री के लिए बहुत सारे मशीन्स को बनाने के बाद। सो गाइस फाइनली ये दोनों ही बनकर रेडी हो चुके थे, और गाइस इधर का स्टोरेज सिस्टम हमने इधर दोनों को सामने ही बनाया। हमने इसको साथ में इसलिए बनाया क्योंकि हमें इधर परेशानी ना हो, और गाइस हमने सारे रेल के नीचे ब्लॉक्स की जगह हमने बहुत सारे हॉपर्स भी लगा दिए हैं। सो गाइस वहाँ से बाहर निकलने के बाद हम अपने अंत के संदूक से बहुत सारे गन्नों को निकालते हैं, और गाइस इसको एक एक कर फार्म करना चालू कर देते हैं, और गाइस इसको लगाने के बाद हमें इधर से इसको ब्लॉक कर देना है। सो गाइस एक साइड का तो हो चुका है, अब इधर भी जाकर हमें इधर भी बहुत सारे शुगर केन्स को लगाने के बाद इधर से भी इसको ब्लॉक कर देना है, और गाइस ये हमारा नीचे वाला फार्म बनकर रेडी हो चुका है। अब हमारे चीनी का बिजनेस होने वाला है। सो गाइस हमें ये वाला फैक्ट्री दो फ्लोर तक ऊंचा बनाना है, तो गाइस उसके लिए हमें ये ऊपर वाले ब्लॉक को पूरा हटा देना है, क्योंकि इधर से हमारा ऊपर वाला शुगर के नीचे आने वाला है। शुगर जिसे हटाने के बाद अब हमें ऊपर भी व्यवसाय बनाना है, जो कि हमने नीचे बनाया था। ऊपर वाले फ्लोर को बनाने के बाद तो गाइस फाइनली हमारा ऊपर वाला फ्लोर भी बनकर रेडी हो चुका है। गाइस इधर हमने बहुत सारे शुगर केन्स रखे जो कि हार्वेस्ट होकर नीचे आ जाएगा, और गाइस सारे माइनक्राफ्ट के अंदर चला जाएगा। बट गाइस ये तो सिर्फ एक ही साइड का बना है, तो मैं मिलता आप लोगों को दूसरे साइड भी वैसा बनाने के बाद, दूसरे तरफ भी सेकंड फ्लोर बनाने के बाद। तो गाइस फाइनली हमने दोनों तरफ ही दो दो फ्लोर लगाकर इधर रेडी कर दिया, बट गाइस जो डर्ट निकल रहा है वो बहुत गंदा दिख रहा है। तो गाइस इतना होने के बाद अब हमें जाना है नीचे स्टोरेज रूम में, जहाँ पर गाइस मैंने इधर चेस्ट नहीं लगाया, और इधर हॉपर के अंदर ठीक ठाक शुगर केन्स है, और किस चीज के नीचे हम दो दो डबल चेस्ट लगा देंगे, और गाइस ये सारे इसके अंदर आ जाएंगे। और गाइस मैं ये कह रहा था कि ये जो डर्ट निकले हुए ये हमारे फार्म को बिगाड़ रहे, तो गाइस इसको कवर करने के लिए हमें इधर पिलर बनाना होगा, तो सबसे पहले हम इधर स्प्रूस के वुड को निकाल लेंगे, और गाइस इधर से पिलर बनाना शुरू कर देंगे। सो गाइस ये फार्म के लेवल तक आने के बाद हमें ये वाला पिलर आगे तक एक्सटेंड कर देना है, और गाइस उतारने के बाद पेड़ टूटते टूटते नीचे आकर इधर भी एक पिलर बना देना है, और गाइस ऐसे करके हमने इसको कनेक्ट कर देना है। सो गाइस हमारा ये बेस बनकर तो रेडी हो चुका है, तो गाइस इधर नीचे आने के बाद हम इधर कवर करने के लिए कोई ना कोई मटेरियल डालना पड़ेगा, तो गाइस इधर हम ओके प्लैंक डाल लेते हैं, थोड़े सस्ते पड़ जाते हैं ना। सो गाइस ओके प्लैंक को डालने के बाद ये वाला साइड तो बहुत ही बढ़िया दिख रहा था, बट गाइस इसको अभी डेकोरेट करना बाकी है, तो गाइस इधर भी जल्दी जल्दी हम बहुत सारे ओके प्लैंक्स को लगा लेंगे। और गाइस इस वाले फार्म के पीछे वाले हिस्से को ढकने के लिए हम इधर स्प्रूस का हुड को लगा लेंगे। अरे ये तो बीच में खत्म हो गया। सो गाइस इतना तो बनकर रेडी हो चुका है, तो मैं मिलता हूँ आप लोग इस वाले फार्म को दुल्हन की तरह सजाने के बाद, अपने फैक्ट्री को दुल्हन की तरह सजाने के बाद। सो गाइस फाइनली हमारा फैक्ट्री बनकर रेडी हो चुका है, तो गाइस मैं आप लोगों को इधर से दिखाता हूँ हमारा फैक्ट्री कैसा दिख रहा है। तो गाइस ये हमारा फैक्ट्री का लुक, और गाइस ये वाला फैक्ट्री जंगल के बीच में है, तो गाइस इसमें मैंने थोड़े बहुत पत्ते भी डाले, और गाइस ये ऊपर वाला जो लाइट दिख रहा है इसे बनाने में गाइस मुझे 2-3 घंटे लग गए, और गाइस ये मस्ती मजाक के लिए हमने इधर साइन बोर्ड में कुछ भी लिख दिया है। तो गाइस इधर से अगर हम अंदर जाएंगे तो हम अपना इधर स्टोरेज रूम पहुंच जाएंगे, जहाँ पर हमारा गन्नों का बिजनेस होने वाला है। सो गाइस इस वाले फैक्ट्री को डेकोरेट करते करते हमारे इधर चेस्ट के अंदर बहुत सारे शुगर केन्स हो चुके हैं, और गाइस दोनों तरफ ही बहुत सारे हो चुके हैं। और गाइस इस वाले स्टोरेज रूम से बाहर निकलने के बाद इधर थोड़े से पत्ते से ऊपर चले जाते हैं, और गाइस मैं आप लोगों को दिखाता हूं इधर फार्म के अंदर, खैर गाइस पीछे वाला जगह खुला हुआ था, हमने फालतू में इतनी मेहनत की है। सो गाइस इधर पीछे से कुछ ऐसा दिखता है, और गाइस ये हमारा फैक्ट्री है, तो गाइस फैक्ट्री के आगे हमने इधर बहुत सारे ओल्ड ड्रम्स को भी बना दिया है, और गाइस इस वाले साइन बोर्ड में लिख दिया है कि इसे छूना मना है, बट गाइस इधर हम बहुत बार भी छुएंगे तो हमें कुछ नहीं होगा। सो गाइस ये हमारा फाइनली स्टोरेज रूम, जो कि गाइस जितने भी गन्ने इधर से निकलेंगे और इधर हम इधर रख देंगे बहुत सारे गन्ने को, जो कि हमारे पूरे शहर में एक्सपोर्ट होगा, और पता नहीं मैंने ये जेल जैसा क्या बना दिया। सो ये हमारे फैक्ट्री का फाइनल लुक, जो कि बहुत ही बढ़िया दिख रहा है, और गाइस हमारे ट्री हाउस से तो ये बहुत ही मस्त दिख रहा है। और गाइस उतना होने के बाद हम इधर प्रोग्रेस दिखाते हुए ट्री हाउस से नीचे चले जाते हैं एमएलजी करते हुए, इसके लिए तो एक लाइक बनता है। सो गाइस आज के वीडियो के लिए बस इतना, अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और गाइस
मेरा यह फैक्ट कैसा लगा आप लोग कमेंट के अंदर बता देना। और गाइस वीडियो बहुत ही लेट आ रही है उसके लिए सॉरी, अब से रेगुलर वीडियो आएंगे। और गाइस अगर आप लोगों को पता है कि नेक्स्ट वीडियो में हमें क्या बनाना है तो नीचे कमेंट के अंदर बता देना। तो मैं मिलता हूं आप लोगों को लेफ्ट वाले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।